यो ओ ये ये ओ माय गॉड ओ बिल्लू वेल कुछ नहीं, लालची है तू, लालची एक नंबर का लालची, स्वार्थी, धूर्त। ये बोल, मैं दुनिया का सबसे बड़ा लालची हूँ, पैसा देखते ही मारी जबान लबलबा जावे। मैं दुनिया का सबसे बड़ा लालची हूँ, पैसे देखते ही मेरी जुबान लबलबा जाती है। आना जरा। यस मैडम। इतू बोल कि आगे से कभी भी अगर भैया आपकी बेइज्जती होगी तो मैं कतई ना हंसूंगा। सॉरी भैया, आगे से कभी भी जब आपकी बेइज्जती होगी तो मैं कतई ना हंसूंगा, मतलब कभी भी नहीं हंसूंगा। मैडम जी नमस्ते, मेरे पति मुझे कुछ नहीं समझते, सिंगाड़ा खाऊंगी चटनी के साथ। Well, what is the problem is the Delhi airport problem is the बजा लो जरा, सब ताली बजा लो। कई दिनों बाद इसने पुराना वाला निकाला है संदूक से। Well, thank you very much is the तालियां सुन के हो गया हूँ मैं टच is the हाँ, ये बौकात में भी रह ले, ज्यादा हो रहा है। Well, हाँ बोलो, क्या तकलीफ है तुम्हारी? मैडम मैं कौशल्या कहने कुब्ज कानपुर से। असल में मैडम बात क्या हो रही है कि आई एम श्योर मैडम कि मेरे हस्बैंड का ना किसी तिरछी नजरिया पतली कमरिया के साथ ना टिंचू टाए टाए चल रहा है मैडम। ये बात आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? वो ऐसे हवलदार जी कि हर औरत की तरह मेरी भी आदत है अपने हस्बैंड की जेब टटोलने की। तो कुछ दिनों से मैडम मैं क्या नोटिस कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के बटुए में से पैसे उसी तरह से उड़ रहे हैं जैसे प्याज और लहसुन के छिलके। हाँ मैडम, कुछ भी हो ये मामले हो रहे दिल के, सिंगाड़ा खाऊंगी चटनी के साथ। क्या एक काम कर, पति पैसा को रहा है ना, लेके आओ उसको जरा चौकी में, मैं देखते ही बता दूंगी कितने पानी में और के झोल कर रहा है। थैंक यू सो मच मैडम, मैं अभी लाती हूँ ना खींच के। अरे चलो तो सही, मैडम सही करेंगी तुम्हें। हाँ, सिंगाड़ा खाऊंगी चटनी के साथ। हेलो, हाय मैडम, कैसी हैं आप? मैडम मैं हूँ सिंगाड़ा, चाय थोड़ी कड़क बनाना। हम थारे फूफा के नौकर लग रहे हैं कि चाय कड़क बनाना और शरबत ठंडी देना? अपनी चाय का बता, किस इलायची के संग उबल रही थारी अदरक? कौन है छोरी सीन में पिक्चर में बता? नहीं नहीं मैडम, आप लोगों को ना थोड़ी गलत फहमी हो रही है। अरे मेरा कोई लड़की के साथ कोई चक्कर बक्कर नहीं है। अच्छा, तो फिर आपके बटुए के पैसे कहाँ गायब हो रहे हैं? अरे वो तो मैं जाता हूँ ना वहाँ पे, माने झापड़ योगा आश्रम में जाता हूँ ना, वहाँ पे ना झापड़ खाने पड़ते हैं, उसके पैसे देने पड़ते हैं। क्या शाबाश, मैं तो यहाँ पे रोज इतने झापड़ खाता हूँ मैडम से, लेकिन मुझे तो मैडम को कोई पैसे नहीं देने पड़ते। यहीं आके खा लिया करो ना आप भी। मैं क्यों खाऊं? के बात कर रहे हो ये झापड़ योगा के पैसे किस बात के देने पड़ रहे हैं? मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, दरअसल बात ये मैडम के एक बाबा है, उनका एक आश्रम है, वहाँ पे ना वो झापड़ योगा सिखाते, बहुत अच्छे बाबा है मैडम, क्या क्या योगा सिखाते, क्या बात है। और उनके पास है ना हर मर्ज की दवाई है मैडम। हाँ, और वहाँ पे ना मुझे झापड़ खाने पड़ते हैं और उसी झापड़ के पैसे देने पड़ते हैं। हाँ मैडम, चाहे थोड़ी कड़क बनाना। अबे वो कौन सा नया बाबा आ गया मार्केट में, बुलवाओ जरा इस झापड़ योगा बाबा ने। आए ओके हे हे।
नो रबिश। क्या बब्बू गोसे के किया जाए बोल थारे स्वाद के सुलूक किया जाए निकाल दिया जाए चौकी से। नो मॉम। क्यों बे? मॉम उसका है एक रीजन इज द बरसात का आ गया है सीजन इज द। आपने मुझे 5000 की गड्डी को हाथ लगाते देख लिया जी जिसमें करंट लगा हुआ था, लेकिन आपने ये नहीं देखा 10 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट और 1000 का नोट को मैंने हाथ तक नहीं लगाया। दिस इज डेडिकेशन, ईमानदारी। वैसे मैडम भैया की बात सही भी है, क्योंकि एकदम से इतनी सारी शराफत एक साथ इनके अंदर नहीं आ सकती ना, क्योंकि ये बहुत ही मोटी चमड़ी के अड़ियल जड़ियल और नेस्ती आदमी है। वेल हाँ ये बात तो सही, इम्प्रूवमेंट तो आया है नाबा डिस्ट्रिक्ट में। चलो कोई नहीं, ठीक है भैया। ओ बिल्लू हाँ बैठना नहीं है बिल्लू। यार वाकई यार तू मेरा ब्रो है यार, यार तू कितना ख्याल रखता है यार मेरा, भगवान तुझे तरक्की दे यार। ऐसी बातें करता है ना जब तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ। कोई नहीं भैया चलो हो गया ना, ठीक है बस। जब भी पाला गले मिलना। आ जाओ। अरे वाह बिल्लू, तुमने ही नोटों की गड्डी पे करंट लगाने का आइडिया दिया था ना, आणि आजोबा अब बिल्लू को ही गले लगा रहे। ओ बिल्लू आओ मीना, आना आओ तो आइए आइए। जो होना है वो होगा, करते रहो झापड़ योगा, क्यों शिष्य आराधना, सच्ची है मेरी साधना। बाबा ओ बाबा ए चलना बाबा, साधना की बड़ी याद आ रही है। हाँ छापर चमत्कारी है, सिखा रहा हूँ मैं अपने शिष्य को झापड़ गुरु बनना सिखा रहा हूँ, इसीलिए है। क्या कैसे और मच रहा है, कौन है ये सब? अरे मैडम ये हमारे महान झापड़ बाबा हैं। अरे इनके फैन पेज पे 2,000,000 लोग हैं। ओ झापड़, अच्छा झापड़ योगा, क्या भाई बाबा जी के झापड़ योगा निकाल रखा तुमने नया मार्केट में? एक तो लोगों ने तुम झापड़ मारते हो, ऊपर से तुम उनसे पैसे चार्ज करते हो, वाह जी वाह। मैं सवेरे से शाम जो है लोगों के झापड़ बजाती हूँ, मैं तो ना चार्ज करती मनीज। अरे नहीं नहीं मैडम, देखिए आप समझी नहीं मैडम, दरअसल बात यह है कि आप जो झापड़ मारती वो सिर्फ झापड़ है। अच्छा, और जो मैं झापड़ मारता हूँ वो झापड़ योगा है, जिससे बड़े बड़े दुख बड़ी बड़ी परेशानी को याद आ जाती है नानी। ओ बिल्लू बाकी जो होना है वो होगा, बस करते रहो झापड़ योगा। सौ बात की एक बात, झापड़ बाबा ये जो तुमने ढकोसला फैला रखा है ना डोंग, इसको समेट लो। ये झापड़ योगा वोगा कुछ नहीं होता, बेवकूफ मत बनाओ पब्लिक को।
होता है मैडम, होता है, आपको कुछ नहीं पता, सब होता है मैडम। अरे आपको पता नहीं, इस झापड़ योगा से बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर देता हूँ मैं। हाँ मैडम, आपको क्या बताऊँ, बुढ़े को जवान कर देता हूँ, गंजे के सर पे बाल उगा देता हूँ, भूले हुए की याददाश्त वापस ले आता हूँ। अब हम चलते हैं, चलो शिष्यो नमस्कार, आओ उससे दूर रहना। पापा जी। ओ अंकल, कौन सा झापड़ योगा सीखना है? पापा जी आप मुझे झापड़ी योगा सिखा दीजिए, जिससे मैं दिखूं एकदम यंग इज द, हसीना मुझे देख के हो जाए दंग इज द। ए मिश्रेश्वर, क्यों बेटा झापड़ योगा सीख के कैसा लगा? बस हफ्ते में 2-3 बार आते रहना, तुम्हारा काम हो जाएगा, जाओ अब यहाँ से। थैंक यू बाबा। ओ मिश्रेश्वर, हाँ, इस बुढ़ो को अंदर ले जा और जवान होने का झापड़ योगा सिखा। आइए आइए, आपको झापड़ योगा सिखाता हूँ, आइए 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 आइए। नमस्ते बाबा जी, नमस्ते। वो मुझे ना आपका झापड़ योगा सीखना है, मुझे भूलने की आदत है, मतलब बीमारी है थोड़ी बहुत, तो वो ठीक हो जाएगी क्या आपके झापड़ योगा से? हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सामने वाले रूम में जाके बैठ, अभी हमारा झापड़ योगा रूम बिजी है क्योंकि एक बुढ़ो जवान हो रहा है, जब वो फ्री होगा तब तेरा नंबर आएगा। चल बैठो बैठो, आराम से बैठो। चल 1,000 रुपये निकाल। ये लो 1,000 रुपये, हो जाएगा ना काम? हाँ हो जाएगा काम, हो जाएगा बच्चा, जाओ। क्यों दादाजी, बस हफ्ते में 2-4 बार आते रहना, काफी फर्क पड़ेगा। और एक बात का ध्यान रहे, अगर डिस्काउंट चाहिए तो 1-2 मेंबर और ले आओ, पूरे 20% डिस्काउंट मिलेगा। आखिरी दिन है, हमें किसी भी हाल में मिस चौटाला से आई लव यू तो कहना ही होगा। कुछ नहीं देखेंगे, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कुछ नहीं देखेंगे, सीधे बोल डालेंगे। गुड इवनिंग सर। एकदम सही टाइम पे मिस चौटाला आई है, 6:30 बजने वाले हैं और मिस चौटाला हमारे सामने। क्या हो गया सर? मिस चौटाला आप हमारी बात सुनिए, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कई दिनों से एक बात थी जो हमें आपसे कहनी थी, जो हम कह नहीं पाए, जो आज आपसे कहेंगे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आप कुछ कहेंगी नहीं? हाय, हाय, हाय। हमें आपका जवाब चाहिए मिस चौटाला। जवाब दीजिए प्लीज। हाय, हाय, हाय। जवाब दीजिए हमें, जवाब दीजिए हमें। क्या हो गया सर? ये गोलू से किस बात का जवाब मांग रहे हैं? ये तो खुद ही एक प्रश्न है सर। He is a big question mark, useless question mark. बेचारा। अरे क्या कर दिया हमने बे, 6:30 बज गए और हमने मिस चौटाला की जगह गोलू से आई लव यू कह दिया। अरे 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 सर, आप काफी परेशान लग रहे हैं, कोई बात है तो बताइए, मतलब क्या टेंशन है सर? सर देखिए, आप ऐसे मुंह लटकाए खड़े हैं हमारे सामने, आप कह रहे हैं कुछ नहीं, बताइए सर, आई नीड टू नो। क्या बताए मिस चौटाला, बात ये है कि हम हार गए, हमें एक मौका मिला था
हमने खो दिया, अब पता नहीं मौका कब आएगा, शायद एक साल बाद आए। छोड़िए ना, जाने दीजिए। कौन सा मौका सर, बताइए। आई लव यू बोलने का मौका। क्या नाम है छोड़ाला, हमारे गुरुजी जो है उन्होंने हमसे कहा था कि जिस किसी भी लड़की से मैं प्यार हो उसे एक हफ्ते के अंदर अंदर ठीक 6:30 बजे आई लव यू बोल देना। 6 दिन गुजर गए, हम कुछ कर नहीं पाए, फेल हो गए। आज 7वां और आखिरी दिन था, और आज जब हमें मौका मिला आई लव यू कहने का, तो हमने उस लड़की के बजाय गोलू से आई लव यू कह दिया। और वो लड़की हमारे सामने भी आ जाए तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि 6:30 बज चुके और हम फेल हो गए। कौन है वो लड़की सर? सर ये चौकी की घड़ी 3 मिनट फास्ट है। 6:30 अब बजा है। हाँ 6:30 तो अब बजे। सच इसका मतलब हम लेट नहीं हुए, हमने ठीक टाइम पर बोल दिया। तो बोल दिया तो बोल दिया मिस चौटाला, आप जवाब दीजिए, आपका जवाब क्या? सर जिंदगी में पहली बार किसी ने हमारे से ये 3 शब्द कहे, इतनी जल्दी कैसे दे दूं मैं जवाब? हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है सर, मैं सोच के जवाब दूंगी। ओके हमने तो बोल डाला बेटा, बजरंग ब्रदर मचा दी तूने गदर। चलो गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बिल्लू, आज तुम आए नहीं यार, मैं तुम्हारा वेट करते रहा। मैंने सोचा भैया फिर रोज रोज क्या जाना है एक ही आदमी के पास। वाव। मैं क्या सोच रहा हूं ना भैया कि आपको योगा करना शुरू करना चाहिए, बहुत ज्यादा बुड्ढे दिखने लगे हैं आप। वेल है ना मीना? आता माजी सटकली। मैं सोचता हूँ यार तुम्हें भी योगा जरूर करना चाहिए, है? ये तेरी भूलने की आत्मा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है ना मीना? आता माजी सटकली। मैं क्या करता हूँ ना भैया, आपका मैं एडमिशन करवा देता हूँ झापड़ बाबा के यहाँ पे। क्या मेरी यहाँ पे जान पहचान भी है और अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाएगा, ज्यादा महंगा नहीं है भैया, आपको सही रहेगा एकदम, है ना मीना? आता माजी सटकली। पहचान तो मेरी भी काफी है, मैं तेरी एडमिशन करवा दूंगा, फिर तुम उसके बाद बिल्कुल सही हो जाओगे, है ना मीना? एक मिनट, आप दोनों एक दूसरे का एडमिशन क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि 20% गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मीना। क्या नलायको? अबे मैं यहाँ चौकी में धड़ाधड़ FIR लिख रही हूँ उस ढोंगी बाबा के खिलाफ, और यहाँ है दो चौकी के लल्ला जो कतई उसी की गोद में बैठ के झुनझुना बजा रहे हैं। सॉरी मैडम। सुधर जाओ वरना सिधार दूंगी मैं। चौटाला सर, आपने कुछ सोचा उसके बारे में? हाँ सर, यही सोच रही हूँ कि झापड़ बाबा को बेनकाब करूँ तो कैसे करूँ मैं। अरे मैं चौटाला, हम उसकी बात नहीं कर रहे, बाबा की बात नहीं, हम खुद की बात कर रहे हैं। आपने सोचा उसके?
अरे हमने वो कहा था ना, वो आए कहा था ना कि वो लव। हाँ हाँ जी, गॉट इट सर। तो उसके बारे में कुछ सोचा आपने? आपने कहा था ना कि आप सोचेंगी फिर जवाब देंगी थोड़ा। अच्छा आप कुछ ठीक नहीं लग रही है, मतलब अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो हम गाँव आके आपका मूड ठीक कर दें जैसे हमेशा करते हैं? नहीं 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 सर, ऐसी बात नहीं है कोई। हाउ स्वीट ऑफ यू फॉर द ऑफर, लेकिन सर ये इस केस के सिलसिले में थोड़ा मैं ज़रा सोच विचार में मगन हूँ, तो पर्सनल चीज़ के बारे में सोचने का टाइम मिला नहीं सर। सर थोड़ा सा यू प्लीज़ गिव मी थोड़ा सा और वक्त है नहीं? ऑफ कोर्स, टेक योर ओन टाइम मिस्टर अला, व्हाट इज देयर। थैंक यू सर। सोचा नहीं अब तक, मतलब क्या है? ये आए सर। सर अभी क्या है, अभी क्या है सर? वैसे आपकी यही समस्या है ना कि मैडम आपको हाँ बोलेंगी या ना बोलेंगे, तो सर क्यों ना आप झापड़ बाबा के पास चले जाएं झापड़ योगा सीखने के लिए? What? वहाँ हल मिल जाएगा आपको। एक्सक्यूज मी ब्रो, ये ऑफर मैं दूंगा सर को। मैंने दे दिया ऑलरेडी, अब क्या? मैं दूंगा, बोला ना मैं दूंगा सर। भैया मेरी बात हो गई है, मैंने दे दिया, जब दो दो चीज लेके क्या करेगा एक आदमी? मैं यहाँ का सीनियर हवलदार हूँ, मैं दूंगा, मैं बात करूंगा। भैया मैं दे रहा हूँ, मेरी बात हो रही है। मैंने कह दिया ना मैं दूंगा। करा दिया ना 20% का नुकसान, अच्छा खासा मैं सर को लपेटे में लेके झापड़ बाबा के यहाँ भेज देता। मैं भी प्लीज कम आओ बबीता, आ जाओ। अरे बबीता किस बात पे नाराज हो? ओ बिल्लू आओ 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 बबीता आओ बबीता खाओ खाओ आ जाओ बबीता आ जाओ। अरे बबीता आ जाओ बबीता, वेरी गुड, क्या बात है बबीता, वेरी गुड डार्लिंग। ये है पुलिस स्टेशन। अबे आर यू मैड? नहीं वो बकरी को खींच के क्यों ले आया तू यहाँ पुलिस चौकी में? मैडम शेर पालतू है, ये बोलने वाला फालतू है। अच्छिया जरा देखो इसे, बात है शेर की कर रहा, लेके बकरी घूम रहा। मैडम बकरी नहीं बबीता, यानी कि मेरी गर्लफ्रेंड जो ब्यूटी का भंडार है। अबे थारी गर्लफ्रेंड ब्यूटी भंडार हो ना अगली ने उसका पिटा रहा हो ना, मैं क्या करूं? मैंने कौन सा अपना कजिन ब्रदर साबू बहना थारी गर्लफ्रेंड से? मैडम मेरी गर्लफ्रेंड से तो मेरा ब्याह होगा। अरे डार्लिंग ऐसे शर्माओ मत, अरे तुम शर्माओगी तो मैं तुम्हारी तारीफ कैसे करूंगा? शेर पालतू है, बोलने वाला फालतू है। well, इसका नाम डार्लिंग है? नहीं नहीं नाम तो बबीता है। तो बबीता तो गर्लफ्रेंड है ना? अरे भाई साहब बबीता ही गर्लफ्रेंड है। एक्सक्यूज मी ब्रो, फिर तुम इसे डार्लिंग क्यों कह रहे हो? डार्लिंग गर्लफ्रेंड को तो कहते हैं। पर ये तो बकरी है ना? अरे ये मेरी गर्लफ्रेंड है बबीता, जिसे इस आदमी ने बकरी बना दिया। और इसी बात की FIR लिखवाने में यहाँ पर आया हूँ। शेर पालतू है, ये बोलने वाला फालतू है। अबे फालतू तू है, कटहल ना काट पाए तो कलिंगड़ काट लूं वाली बात ना कर यहाँ। बकरी कैसे होगी लड़की, लड़की कैसे होगी बकरी? अरे नहीं नहीं मैडम मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैडम मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो आदमी है ना मैडम, ये गोल से मुंह वाला मैडम, ये जादूगर है मैडम। इसने पता है क्या काम किया इसने? मैडम मेरी गर्लफ्रेंड को है ना स्टेज पे बुलाया और फिर उसे बकरी बना दिया। एक मिनट। हाँ भाई जादूगर भाई, तुम्हारा क्या इंट्रोडक्शन है? देखिए मैडम जी बात यह है कि मैं हूं जादूगर किरमानी, जादू दिखाता हूं तूफानी, कौवा कबूतर से गोरा है। मैडम मैं गोलू, मैं कुछ बोलू? बोल। मैडम मेरे गांव में एक जादूगर है, उसने एक आदमी को गधा बनाया लेकिन अभी तक उसे सही नहीं कर पाया। आजकल वो गधा हमारी चौकी में अखबार पढ़ रहा है। Well. अरे तुम जरा जादूगर आना जरा इधर दिखाऊं मैं भी जरा। डालो इसे लाकर में डालो। चले। नहीं 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 मैडम जी देखिए मैं आपको सच्चाई से बताता हूँ,
क्या है ना मैडम जी, जादू जो है ना एक ट्रिक है, और वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। मैडम जी, मैं स्टेज पे एक लकड़ी का बॉक्स बनवाता हूँ और उसमें लड़की को बुलाता हूँ। अब इनकी गर्लफ्रेंड को मैंने लकड़ी के बॉक्स में बुलाया, और जैसे ही मैंने कर्टेन घसीटा, लड़की नीचे गई और बकरी ऊपर आ गई। अब ये जो है बकरी को अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहे हैं, जबकि मैडम जी इनकी गर्लफ्रेंड तो कहीं नीचे भाग गई होगी, अब उसमें हमारा क्या कसूर है? मतलब एक मिनट, इसकी गर्लफ्रेंड ऊपर से नीचे गई और बकरी ऊपर आ गई, और इसकी गर्लफ्रेंड नीचे से मौका देख के भाग ली। करेक्ट। हाँ भाई, ये सही कह रहा है, और मन्ने इसी बात का यकीन है, क्योंकि थारे जैसा जिस छोरी का बॉयफ्रेंड हो, एकदम इरिटेटिंग और बोरिंग पर्सनैलिटी वाला, वो तो भाग लेगी ना एक दिन मौका देख के, तो थारी भी दौड़गी। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं इस बात को तहे दिल से मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। अच्छा मैडम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्वीटहार्ट, मैं सोच रहा था कि आज शाम को पहले हम कॉफी के लिए चलेंगे और उसके बाद फिल्म देखने चलेंगे। यार क्या कर दिया तूने, ऐसा तू फालतू और घटिया जादूगर है, तेने इस आदमी का मानसिक संतुलन हिला दिया, प्रेफरेंस बदल गई सुसरे की। अरे मैडम जी, हम घटिया जादूगर नहीं है, अरे हम बड़े कमाल के जादूगर हैं। अच्छा। और एक से बढ़कर एक जादू दिखा सकते हैं। अभी आपको मैं जादू दिखाता हूँ, उसका नमूना पेश करता हूँ। करो दादाजी, ये देखो मेरे हाथ में कुछ है, पट्टी है। अरे यार, तो बंदर ने काट लिया था यार। तो दादाजी बताइए कि आप कौन सा फल खाएंगे? वेल, आई लाइक केला इज द दुनिया हसीनाओं का मेला इज द डोंट वरी, केला भी मलाता हूँ आपके लिए, ठीक है दादाजी? नहीं ना, कुछ नहीं ना। आ देखिए, कौवा कबूतर से गोरा है केली। ओ माय गॉड, रबेश, नहीं मुझे आम आम खाना है। ओ अभी लाता हूं। कौवा कबूतर से गोरा है। आम यार, जो भी कहो कमाल है, वेरी नाइस, बिल्कुल ही आंखों के सामने यार, कैसे हो गया? नहीं नहीं, तू बढ़िया जादूगर है, वेरी नाइस। एक मिनट यार, तैने देख के मन ने एक और की याद आ गई, वो कौन है? हाँ, झापड़ बाबा। नहीं मतलब कमाल है, तू जो है एक एक तरीके के जो है जादू दिखावे, चमत्कार दिखावे, वो भी एक एक तरीके का चमत्कार दिखावे, और लोग उसकी जो है पूजा करें, उसको बाबा कहवे। अरे मैडम जी, वो कोई बाबा बाबा कुछ नहीं है, समझे ना, वो सिर्फ एक नंबर का धोखेबाज, चोर उचक्का लफंगा, तो बाबा बाबा नहीं है, वो सिर्फ जादूगर है, और मेरे पिताजी ने उसको सारे जादू के ट्रिक सिखाए थे, जादू का गलत इस्तेमाल करके वो इतना बड़ा झापड़ बाबा बन गया। अरे वाह, ये तो तेने घने पते की बात बताई, बिंगो। ये मारे दिमाग में मारा एक आइडिया आ गया है, ईब होगा झापड़ बाबा बेनकाब। चल हट हट, अरे मनहूस है ये लोग, मनहूस। मुझे तो बोला ही नहीं जा रहा है कि डिस्को बेबी के आश्रम में झापड़ बाबा डिस्को योगा सीखने आ गए। गलत फहमी है ये तुम्हारी, गलत फहमी। अरे ये मत समझो कि कुछ लोगों को बस लुभा दिया तो झापड़ बाबा का सिंहासन जो है वो हिला दिया। अरे तुम नहीं जानती हो कि हम सिर्फ योगा नहीं कराते, बल्कि बहुत बड़े चमत्कारी भी हैं, चमत्कारी। हाँ तो देख लेते हैं फिर कि किसको आता है ज्यादा चमत्कार, आपको कि डिस्को बेबी। ए चलना बाबा, चमत्कार दिखाना। दिखा रहा हूँ शिष्य, दिखा रहा हूँ, ये देखो। हु.
अरे रुको, अभी देखो चमत्कार हमारे हाथों का। विभूति विभूति। कितना गंदा कर दिया इन्होंने। अब मैं क्या बोलूं? हो गया डिस्को योगा। मेरी बात सुनो, आज रात मेरे आश्रम में चले आना, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। घड़ी कहाँ गई? शिष्य आराधना वो भी गई, ये क्यों नहीं आई? मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगी। कैसी बात कर रहे हैं आप? आना तो मुझे था ही ना, क्योंकि क्योंकि फिर बुलाया किसने था? आपने बुलाया था ना, इतने इतने चमत्कारी बाबा ने बुलाया था तुम ना। मैं तुम तारीफ कर रही हो कि खिंचाई? वैसे चमत्कारी तो तुम भी कम नहीं हो। देखा जाए तो हम दोनों एक ही कश्ती के सवारी हैं। मीनिंग क्योंकि फिर मुझे तो आया नहीं ना कुछ समझ में। मैं तो वो सिखाया गया है हमेशा से कि बड़ों की बात सुननी चाहिए, तो इसलिए आपने बुलाया और मैं। तुम बचपन से ऐसी हो, मतलब ये आप भी ना। देखा जाए तो तुम भी जानती हो कि मैं भी एक नंबर का फ्रॉड हूँ और तुम भी। योगा के नाम से हम दोनों लोगों को बेवकूफ बना रहे और मालेट रहे। और मजा भी बहुत आ रहा है। वैसे देखा जाए तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। डील? कैसी कैसी डील? डराती बहुत हो तुम। कोई बात नहीं, डील ये है कि देखो क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं, मतलब कि मिल ले। हम दोनों अकेले अकेले ही हजारों लोगों को बेवकूफ बना रहे, और अगर हम दोनों मिल ले हैं तो लाखों करोड़ों लोगों को गधा बनाकर उनका माल ऐंठ लेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा, और बस ऐसे ही कहते रहेंगे कि जो होना है वो होगा, बस करते रहो डिस्को योगा, करते करते झापड़ योगा है। प्लान देखना, इतना सॉलिड वाला बनाया ना आपने कि Like, come on, yeah, I mean, क्या सॉलिड प्लान बनाया आपने। लेकिन एक ना थोड़ा दिमाग तो मेरे पास भी है, तो तो एक डील मैं भी आपको दे दूँ। एक बस एक 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 डील दे देती हूँ बस। तुम्हारे पास भी डील है तो दो। ठीक है चलो, तुम्हारी डील भी सुन लेते हैं। जरूर बताओ क्या है। मेरी सिंपल है, ज़्यादा ना मतलब कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत ही सिंपल है कि क्या है ना कि बाबा बाबा आप ना खुद को कानून के ना हवाले आप कर दो। क्या तुम ये क्या कह रही हो तुम? मतलब
ऐसे कैसे, ये क्या कहा तुमने है? मतलब यो कि थारा सारा भांडा फूट गया है झापड़ बाबा, और ये तू जाएगा जेल, और मैं कोई डिस्को बेबी ना हूं, मैं हूं इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला, और ये पूरी दुनिया के सामने आएगा थारा घोटाला। क्या ऐसे कैसे खुलेगा घोटाला? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं फ्रॉड हूँ? सबूत भाई, बिन सबूत के तो पुलिस कोई काम करती कोई ना है, है ना? बिकॉज कानून इज ब्लाइंड, यो रहा सबूत। ये रहा सबूत, तुम्हारी शिष्या जिसने सब कुछ कबूल कर लिया है और अब ये ट्रेंड हो चुकी है। या, हमारे साथ आई है मीडिया और प्रेस इज द हसीनाएं होती है मुझसे इम्प्रेस इज द नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। सॉरी सॉरी। और तुम तो ये सोच रहे होगे ना कि मैडम को हर सगा जादू किसने सिखाया? हाँ भाई, तो हमारे जादू दिखाने के पीछे है एक टीचर, यानी कि हमारे गुरुजी, यानी कि जादूगर जनाब। आ जाओ भाई बाहर। ओ लफंटर, पहचाना हमको? हैं? हमारे पिताजी से जादू सीख के तो दुनिया भर में जो है ढोंग फैला रहा है। देख, मैंने मैडम को ऐसा जादू सिखाया कि उन्होंने तुम्हारे चारों खाने चित कर दिए हैं। कौवा कबूतर से गोरा है। अच्छा, चलो भाई, ईब झापड़ योगा होगा डायरेक्ट जेल में, और ईब झापड़ योगा बाबा को कौन सिखाएगा? आप।